वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपना स्किन को, चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर को, अनवांटेड हेयर को, अनचाहे बालों को हटाने का सिंपल डे अवे रेमेडी बताने वाली हूँ। इससे अनचाहे बाल ग्रोथ रिड्यूस होगा और अनचाहे बाल का हेयर ग्रोथ को स्टॉप करके परमानेंटली आपका स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है इस घरेलू नुस्खा। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए लेना चाहिए एक बाउल में 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लोर। इससे चेहरे का अनचाहे बाल रिड्यूस हो जाएंगे और आपका स्किन टाइट एंड ब्राइटन होगा। तो मैं यहाँ पे 1 to 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। इससे अनचाहे बालों का ग्रोथ परमानेंटली रिड्यूस होगा, आपका स्किन स्मूथ और ब्राइटन हो जाता है। इसके बाद इसमें ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून हल्दी। मैं यहाँ पे कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, आप घर का हल्दी भी ले सकते हैं। और इसमें दही ऐड करना है, योगर्ट दही ऐड करके फाइन पे इस तरह मिक्स कर लेना चाहिए। और इसमें वाटर ऐड बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ दही ऐड करके मिक्स करना है। इससे ये पूरा आप चाहिए तो पूरा फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अनवांटेड हेयर का ग्रोथ है वहाँ अप्लाई कीजिए। इससे अनचाहे बाल रिड्यूस हो जाएंगे, आपका स्किन टाइट एंड ब्राइटन होगा। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसको आप थिकली मिक्स करना है और इसको आप क्लीन फेस पे, क्लीन चेहरे पे अप्लाई करना है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा और आपका स्किन भी हेल्दी और रेडिएंट होता है। इसका कंसिस्टेंसी थिक बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, आप देख सकते हो। इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, इसको क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। फेस को अप्लाई करने के पहले फेस वॉश या क्लेंजर से अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करके आप इसको क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। ड्राई स्किन पे, क्लीन फेस पे आप जहाँ जहाँ अनचाहे बाल है उस एरिया पे अप्लाई करें। मेक श्योर अप्लाई करने के पहले आप आपका फेस को वैक्सीन से या थ्रेडिंग से अनचाहे बालों को आप हटा के इसको यूज़ करना है, ताकि ये ऐसे करने से अनचाहे बालों का ग्रोथ को हटा देता है और छोटे छोटे इन ग्रोथ हेयर को भी रिड्यूस करके हटा के आपका स्किन को स्मूथ और ब्राइटन करता है। अगर आपको अच्छी रिजल्ट चाहिए तो आप अपना स्किन को थ्रेडिंग करके जहाँ अनचाहे बाल है तो उसको हटा के इसको पैक को यूज़ करने से आपका हेयर ग्रोथ जो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ परमानेंटली रिड्यूस होगा और आपके स्किन पे छोटे मोटे जो अनचाहे बाल है वो भी हट जाएंगे। ये काफ़ी इफेक्टिव है और इससे अनचाहे बालों का ग्रोथ रिड्यूस होने के साथ ही साथ इनग्रोथ हेयर जो है वो भी परमानेंटली हटेगा और आपका स्किन स्मूथ और रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें अंदर है गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लोर। ये आपका स्किन को कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइटन ब्राइटन करता है और इससे अनचाहे बालों का ग्रोथ भी हटेगा, आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट होता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 100% सेफ और इफेक्टिव रेमेडी है। इसको अप्लाई करने के 15 मिनट तक छोड़ देना है, 15 से 20 मिनट तक। तब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तब हल्का सा पानी से चेहरे को गीला करके आप सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए इसको हटा लीजिए, ताकि डेड स्किन सेल्स भी रिमूव होंगे, छोटे मोटे अनचाहे बाल, इनग्रोथ, अनवांटेड हेयर है वो भी निकल जाएगा, आपका स्किन क्लीन, क्लियर और स्मूथ बन जाएगा। इन उसका ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सो जरूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।